लखनऊ में पलटन कुमार टोला के एक मकान में युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। जब इस बात की खबर मकान मालकिन ने 100 नंबर पर दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले शव की जांच की, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आसपास के लोगों और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। संतराम यादव मृतक के कौन है? भतीजे हैं। क्या कैसे क्या हुआ, क्या घटना की जानकारी मिली आपको? घटना जानकारी हमको मृत मिले हैं, आशंका जताई जाती है उनकी हत्या की गई है। ये क्या क्या करते थे? ये ड्राइविंग करते थे। इनकी शादी हो गई थी? जी हाँ। पत्नी कहाँ रहती थी? पत्नी घर पे है। यहीं पे रहती थी? जी हाँ, घर पे हैं, अपने गांव ग्राम निवास पे अपने। इस समय जो मकान में जहाँ पे इनकी बॉडी मिली, यहाँ कौन कौन रहते थे? यहाँ पर इनकी एक रखेल थी, उसी के साथ रहते थे। गर्ल मतलब रखा है? हाँ। तो वो फिर साथ में रह रही थी? हाँ जी। क्या लगता है उसने हत्या करा दी? क्या उसी ने हत्या कराई? क्या नाम है उसका? उसका नाम तो नहीं हमको पता है क्योंकि हम ज़्यादा जानकारी नहीं करते हैं। कहाँ रहती है वो? यहीं के? वो कहाँ की रहने वाली लड़की थी जिसके साथ रहते थे ये? यहाँ किराए पर पहले रहती थी, उसी के साथ इनका संबंध हो गया, उसी के साथ अब किराए पर ही रहते थे अभी तक। जो बच्चे अच्छे हैं इनके? थे बच्चे तीन हैं। वो लोग से कहाँ रहने वाले हैं? किसके? आपके जो भतीजे? वो घर पर रहते हैं अपने गाँव में, तिवारीपुर लखनऊ में। लखनऊ थाना जान के क्या कहना चाहेंगे आप? चाहेंगे कि अब उचित कार्रवाई करने की व्यवस्था की जाए। पुलिस में कंप्लेंट दे दी? पुलिस में कंप्लेंट हो गई। वो महिला अभी मौके पे थी जब इनकी बॉडी मिली? नहीं, जब बॉडी मिली तब मौके पर वो नहीं मिली, भाग गई थी पहले थाने से भाग गई। आज आपके घर में जो एक युवक मृत अवस्था में मिला है, ये कौन है और क्या करता है? ये डिपो की गाड़ी चलाता था, पार्ले की। क्या नाम है इसका? मन्नू यादव। ये कहाँ का रहने वाला है? तिवारी पुरवा। और यहाँ आपके यहाँ क्या कर रहा? मेरे यहाँ 4 साल पहले गाड़ी चलाया था, मैं अकेले रहती हूँ। तो जब ये गाड़ी चला के छूटता था तो इसकी बीबी घर में जो है अगर जाता था तो पिटवाती थी जानकीपुरम थाने में। तो कई बार इसको छुड़ाया हमने, एक मुकदमा चल रहा था तो वकील को पैसे दे के वो फाइनल कराया। तो ये बेचारा डर के मारे घर जाता ही नहीं था। तो ये यहाँ पर क्या कल रुका हुआ था? क्या कुछ इसकी तबीयत खराब थी? तबीयत नहीं खराब थी, ये जब रात में आया है तो मेरा एक्सीडेंट से हाथ कट गया है। तो जानता था कि भाभी के हाथ में तकलीफ है तो खाना नहीं बनाएंगी, तो होटल से खाना ले आया दाल चावल। तो इसने कहा कि भाभी मेरे यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रही है। तो हमने कहा इसको सरद गर्म हो गया, तो पानी गर्म करके नमक से दिया डाल के गरारा कराया। उसके बाद कहा भाभी खाने का मन नहीं करा। हमने कहा तू खाएगा नहीं तो हम नहीं खाएंगे। तो इस दाल चावल खाया, बाहर अपना वहीं सोता था, वो बिस्तर बिछा लिया सोया। सुबह मैं उठी हूँ तो टहलने गई हूँ, टहल के मैं आई हूँ तो देखी हूँ कि ये उठा नहीं। तब हम जाके दरवाज़ा खोले हैं, देखे हैं, तो फिर हम डर के मारे भागे हैं। जिस हिसाब से इसके शरीर पे कपड़े नहीं पाए गए? अरे वो नंगा सोता था जिंदगी भर से, जब से ये मेरे यहाँ आया है तब से नंगे ही सोता था, कपड़े वपड़े नहीं पहन के सोता था। कई बार इसको डांटा भी कि तुझे ठंड लग जाएगी। क्या इसके घर वालों को अभी तक इस बात की जानकारी हुई? हमने थाने में बोल दिया था। ठीक है, मैंने कई लोगों से बात किया, मैं बहुत डरी हुई थी, होपलेस थी बिल्कुल। तो सब लोगों ने कहा भाभी तुम पहले थाने चली जाओ।